ग्रामीण क्षेत्र की बहुत हद तक विकास की जिम्मेदारी जिला परिषद सदस्य के हाथों में भी होती है, बहुत विकास की जिम्मेदारी मुखिया वार्ड सदस्य इन सभी के हाथों में भी होती है और इन्हीं लोगों को मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना होता है। फिलहाल हम मौजूद हैं गोराडी पंचायत में, गोराडी प्रखंड में। यहाँ हमारे साथ जिला परिषद सदस्य की उम्मीदवार हैं, उनके प्रतिनिधि हैं कृष्णानंद यादव जी, उनसे हम बात करेंगे, हम उम्मीदवार से भी बात करेंगे ज्योति कुमारी से, और ये जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिन पर इनका ध्यान रहेगा, जो काम ये करवाएंगी। गोराडी क्षेत्र संख्या 20 से पश्चिमी, गोराडी पश्चिमी क्षेत्र संख्या 20 से जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार हैं हमारे साथ कृष्णानंद यादव जी, हैं हमारे साथ उनके प्रतिनिधि। सबसे पहले कृष्णानंद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। क्या कहना है आपको, किस प्रकार से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा चल रहा है जनसंपर्क अभियान, क्या मुद्दा है आपका इस चुनाव में? विकास का और पुराना कार्यकाल जो प्रतिनिधि रहे, भ्रष्टाचार या फिर अपराध, इन सभी चीज़ों पर भी आपका क्या? किसान पैक्स में अध्यक्ष रहे हैं 15 साल, और व्यापार मंडल में अभी वर्तमान वहाँ भी हम 10 साल से चल रहे हैं, और किसान का हम बढ़िया से काम किए हैं किसान का। तो चूंकि आप पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, कहीं ना कहीं धान वान की खरीद बिक्री इन सभी चीज़ों में भी धांधली होती है? कोई धांधली नहीं। तो आपको क्या लगता है पैक्स अध्यक्ष होने के नाते बार बार हम आ रहे हैं बार बार लौट के आ रहे हैं चुनाव? अच्छा, पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में बार बार आप ही जीत रहे हैं पंचायत से लेके प्रखंड तक। तो क्या लगता है आपको कि पैक्स अध्यक्ष के चुनाव का आपको बेनिफिट, मतलब जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उसका आपको फायदा लाभ जो है जिला परिषद सदस्य के चुनाव में भी मिलेगा? सबको आशा है कि इनसे आशा है कि विकास होगा। अच्छा, क्योंकि किसान का हम करके दिखा दिए हैं और किसान खुश है सब दिन। किसान के लिए आपने बड़ा बहुत काम किया, इस कारण से आपको पिछले 15 साल से पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में लगातार आपको वोट दिया जा रहा है, आपको पैक्स अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और आज आपकी पुत्रवधु जिला परिषद सदस्य की उम्मीदवार है, ये भी विकास करेगी। अच्छा, ये भी विकास करेगी। आप बताइए कि कौन कौन आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य ऐसा है जो होना चाहिए, पिछले 5-10 साल में आपके प्रतिनिधि ने नहीं किया, ऐसा एक दो कुछ सड़क या फिर पंचायत भवन या फिर अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, ऐसा कुछ? सड़क छूट गया है क्षेत्र में, नाला भी छूटा है, शिक्षा का भी प्रबंध थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, उसका भी हमने सोचा है कि शिक्षा का भी इंतजाम बढ़िया होना चाहिए, अस्पताल का भी इंतजाम बढ़िया, यहाँ अस्पताल रहते हुए भी नहीं चालू रहता है समय पर, इसलिए उस पर हम लोग ध्यान देंगे। किसान का जो पटवन का पुल पुलिया है, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। आप चूँकि प्रतिनिधि हैं चाचा, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे पंचायत में, आप हर एक लोगों से मिल रहे होंगे, जनता से आप बातचीत कर रहे होंगे, क्या लगता है आपको जनता की सबसे अहम समस्या क्या है, क्या देखकर प्रत्याशी को चुनना चाहिए, मतलब कैसा प्रत्याशी जनता को चुनना चाहिए, किस आप बताइए इस बारे में? समाज में जो विकास अधूरा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, उस अधूरा को हम पूरा करना चाहते हैं, मतलब विकास कार्य विकास ही ठप पड़ा है उसको पूरा करने वाले प्रत्याशी, जहाँ विकास ठप पड़ा हुआ उस जगह हम पॉइंट पर जरूर जाएंगे, चाहे कोई पंचायत हो साथ में। अच्छा, क्या लगता है चाचा आपके क्षेत्र का जो चुनाव होगा, जनता कहीं ना कहीं जाति समुदाय शराब मुर्गा इन सभी चीज़ों में भी वोट को ख़राब कर देती है, आपके क्षेत्र में भी ऐसा कुछ है कि समुदाय जाति इन सभी चीज़ों में वोट बर्बाद होगा या फिर कहीं ना कहीं विकासशील कैंडिडेट को जनता चुनेगी? विकासशील को चुनेगा, मेरा वोटर एकदम गुम है। अच्छा, हाँ, एकदम शांतिपूर्वक से अच्छे आदमी को चुनेंगे। पैक्स में भी वही हाल हुआ है, इसमें भी वही हाल हुआ है, पैक्स में लगातार पिछले 15 साल से आपको चुना जा रहा है, क्योंकि आपका काम पीछे लगा रहता है मेरे पीछे प्रखंड तक, लेकिन कभी हमारा हार नहीं हुआ है। क्या करें, यहाँ भी तो वही है। अब हम प्रत्याशी से बात करेंगे, जिला परिषद सदस्य की प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही हैं, किस प्रकार से जनसंपर्क अभियान चल रहा है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसा रहेगा आने वाला समय में मतदान, कैसा होगा चुनाव। गोराडी पश्चिमी क्षेत्र संख्या 20 से जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार से मिलने आए थे, हमने उनके प्रतिनिधि से बात की और अब हमारे साथ खुद प्रत्याशी मौजूद हैं, प्रत्याशी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और कैसा चल रहा है जनसंपर्क अभियान, क्या क्या विकास कार्य इनके क्षेत्र में इनके द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले ज्योति जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जनसंपर्क अभियान में आप लगातार जा रही हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका चुनाव में इस बार? यही है कि जो भी
मतलब जैसे बाढ़ हुआ, सुखाड़ हुआ, और जनता का जो भी विकास हो, नाला हुआ, और भी जो भी होगा, अस्पताल, शिक्षा के अभियान, जो भी होगा, हमारा कर्तव्य है पूरा। मतलब कि प्राकृतिक आपदा में भी आप, क्योंकि कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों को देखा नहीं गया जनता के बीच, जनता त्राहिमाम थे और जनप्रतिनिधि अपने अपने आवास में बैठे हुए थे, ऐसे में यदि प्रकृतिक आपदा में आप उनको सहायता करने का, काम करने का भरोसा दिलाती हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को ऐसे उम्मीदवार को एक बार मौका जरूर देना चाहिए। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र में किन मुद्दों पर वोटिंग होगा, जनता क्या देखकर वोट करेगी, विकासशील कैंडिडेट को देखकर वोट करेगी या अपने पुराने रिश्तेदारों को देखकर वोट करेगी, जाति समुदाय या फिर शराब मुर्गा, इन सभी चीज़ों पर वोटिंग होगा? नहीं, जनता को तो विकास के दौर पे ही वोट करना चाहिए, उनको जो सही लगता है उन्हीं पर, क्योंकि आजकल का जनता किसी के बहकावे में या शराबी या ये सब भी नहीं है, सबको सबका समझ है, सबका ज्ञान है, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, बड़े छोटे, सबको अपना अपना चुनने का हक है कि कौन सा विकास करे या ना करे, उनको अपना होना चाहिए। इतना विश्वास है कि जो सब दिन चले हुए हैं इतिहास से और जो विकास करते हैं उनको देखते हुए जनता पार्टी चुनती है। चूँकि आप महिला हैं और युवा भी हैं, यदि आप कल जिला परिषद सदस्य बनती हैं, आपको जनता वोट देकर विजयी बनाती है, तो महिलाओं के लिए विशेषकर आप क्या करेंगी, महिलाओं को रोजगार देने के लिए के क्षेत्र में या फिर महिलाओं को मजबूत बनाने के क्षेत्र में आपका क्या योगदान होगा, ऐसा कुछ आपने सोच कर रखा है तो हमारी जनता को बताएं? अभी तो फिलहाल मैं बनी नहीं हूं, अगर जनता या जो भी हो, सब जनता का आशीर्वाद से अगर मैं जीतती हूं, तो युवा होने के साथ साथ मैं जितने भी मतलब जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह हुआ और शिक्षा का अभियान जो भी होगा लेडीज़ का, और जैसे कि क्या कहते हैं, घर वगैरह जो बनाने का भी हो, और मतलब कुछ भी ऐसा सरकारी योजना अगर आए लेडीज़ के तहत में, तो मैं अपने तरफ से पूरी करूँगी। क्योंकि महिलाओं को खासकर रोजगार की बहुत समस्या होती है, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, जो घर में महिलाएं दो चार दस के ग्रुप में बैठकर कुटीर उद्योग चलाती हैं, अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, इन सभी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं विकास की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों में जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप जरूरी है। आप महिला हैं, आपको अपने क्षेत्र में क्या कमी दिख रही है, महिला किस क्षेत्र में पीछे रुक जा रही है, क्यों पीछे रह जा रही है, क्योंकि महिला आप तो चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, अधिकतर प्रत्याशी महिलाएँ ही हैं, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र की महिलाएं क्यों पीछे हैं? हमें लगता है कि यहाँ ज़्यादा जैसे शिक्षा के विरुद्ध कमी रहता है, और बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो कि अपने बेटी या बहू को आगे नहीं विकास करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं हो सकती है। अगर हमें ऐसा इस बार, अगर मैं इस पद पे अगर आती हूँ, आप सभी के आशीर्वाद से, माँ बहनें जो भी है इनके तहत से, मैं अपनी तरफ से उन सभी को रोजगार और जो भी होगा अपनी तरफ से पूरी शिक्षा के व्यय करूँगी। देखिए, अंतिम और अहम सवाल, सबसे अहम सवाल यही रहेगा कि आप अपने क्षेत्रवासियों से, अपने मतदाताओं से, अपनी जनता से क्या अपील करना चाहती हैं, चुनाव में किस प्रकार के प्रत्याशी को वोट देना चाहिए, क्यों आपको वोट करें, इन सभी बातों पर भी आप एक बार प्रकाश डालें, कुछ अपील करें अपनी जनता से। मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि इस बार मुझे एक मौका दे कि मैं इस पद पे हूँ, जिस तरह मेरे पिताजी हर हमेशा हर जनता का विकास और हमेशा सबका किए हुए हैं, रोजगार चलाए हैं, उसी तरह मेरे पे भी विश्वास करके हर आदमी, हर जितने भी हैं, सबको मेरे ऊपर एक बार मौका दे, ताकि मैं हम हर जनता की, हर शिक्षा के अनुरोध, जितने भी कमी हो सबको पूरी करूँगी और हर तरह की सेवा भी करूँगी। चलिए, ये थी हमारे साथ जिला परिषद सदस्य पद की उम्मीदवार ज्योति कुमारी जी, हमने इनसे बात किया, इनके प्रतिनिधि कृष्णानंद यादव से भी बात किया, कई मुद्दे हैं, चुनाव लड़ने के, विकास कार्य हैं, भ्रष्टाचार है, महिला सशक्तिकरण, इन सभी चीज़ों पर ये प्रकाश डालेंगी, यदि प्राकृतिक आपदा आता है तो ऐसे समय में ये जनता के साथ रहेंगी, पीछे नहीं जाएंगी, युवा हैं, महिलाएँ और महिलाओं के लिए भी काम करने की इन्होंने बात कही। लगातार चुनावी जो भी गतिविधि चल रही है, हम पंचायत क्षेत्र में जाकर, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर आपको उन सभी चीज़ों से रूबरू करवाते हैं, आपको हर प्रत्याशियों के मुद्दे, चुनाव में चल रहे जनसंपर्क अभियान, ये सभी चीज़ें दिखाते हैं। यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें, और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।